प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 की प्रॉब्लम्स। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए जो कसौटियाँ हैं इनकी विस्तारपूर्वक चर्चा की थी, तो इन कसौटियों के बेस पे ही हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन हैं। हमारे पास चार कसौटियों की हमने बात की थी। सबसे पहली कसौटी थी ए ए ए समरूपता कसौटी, यानी कि कोण 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 समरूपता कसौटी, यानी कि दो त्रिभुजों के अगर संगत कोण बराबर हैं तो वो त्रिभुजें समरूप होंगी। ठीक इसी प्रकार ए ए समरूपता कसौटी में कहा गया था कि एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं तो भी दोनों त्रिभुजें कैसी होंगी, समरूप होंगी। उसके बाद थी एस 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 समरूपता कसौटी, यानी कि भुजा 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 समरूपता कसौटी। इसमें कहा गया था कि दो त्रिभुजों में अगर संगत भुजाएं समानुपाती हैं, यानी कि एक ही अनुपात में हैं, तो त्रिभुजें कैसी होंगी, समरूप होंगी। ठीक इसी प्रकार चौथी हमारे पास कसौटी थी एस ए एस कसौटी। इसमें कहा गया था कि एक त्रिभुज में अगर एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर है तथा इनके अंतर्गत आने वाली भुजाएँ समानुपाती हैं तो हमारे पास दोनों त्रिभुजें समरूप होंगी। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज का की दो भुजाएं दूसरी त्रिभुज की दो भुजाओं के साथ समानुपाती है तथा इनके बीच का कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुजें कैसी होंगी, समरूप होंगी। तो प्यारे बच्चों, इन चार समरूपता की कसौटी के बेस पे हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्म में से कौन से युग्म समरूप है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से जो युग्म है वो समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिनका प्रयोग उत्तर देने के लिए किया गया था तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को संकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि उनको समरूप त्रिभुजों को लिखना भी है कि किस तरह से आप उनको लिखोगे। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी और दूसरी त्रिभुज है पीक्यूआर। अब आप देखें त्रिभुज एबीसी में कोण ए 60 डिग्री का है, बी 80 डिग्री का है और सी 40 डिग्री का है। इसी तरह से त्रिभुज पीक्यूआर में कोण ए कोण पी 60 डिग्री का है, कोण क्यू 80 डिग्री का है और कोण आर 40 डिग्री है। तो आप बड़ी आसानी से इस चीज़ को देख सकते हैं कि कोण ए और कोण पी आपस में बराबर है, कोण बी और कोण क्यू आपस में बराबर है 80 डिग्री के, और कोण सी और कोण आर आपस में बराबर है 40 डिग्री के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन संगत कोणों के बराबर है तो त्रिभुजें कैसी होंगी, समरूप होंगी। तो यस, इसका एक आंसर तो हो गया, हाँ, तो त्रिभुजें कैसी हैं, समरूप। अब देखो तो त्रिभुज हमारी जो त्रिभुज है ए बी सी वो किसके समरूप बनेगी, देखो ए के लिए पी, बी के लिए क्यू और सी के लिए आर। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ये हमारे पास समरूप का निशान हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। देखो आप इसको पी क्यू आर ही लिखोगे, पी आर क्यू नहीं लिखोगे। तो जो जो कोण जिसके जो ए कोण है, ए का संगत कोण कौन सा हो गया पी, बी का संगत कोण कौन सा हो गया क्यू और सी का संगत कोण आर है, तो उसी सीरीज में आप इसको लिखोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड में अगर आप देखें तो यहाँ पे कोण नहीं दिए हुए, अब की बार भुजा दी हुई है। अब आप अगर इन भुजाओं में देखें, ए बी भुजा 2 सेंटीमीटर है, बी सी 2 मात्रक है, बी सी हमारे पास 2.5 है और ए सी हमारे पास 3 है। ठीक इसी तरह से पी क्यू आर में पी क्यू 6 मात्रक है, कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर उसने क्या स्केल लिया है। क्यू आर हमारे पास 4 मात्रक और पी आर हमारे पास है 5। अब आपको ये देखना है कि ये समरूप है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो इसको तो यहाँ आप देखोगे कि 2 का जो डबल है वो 4 है, 2.5 का जो डबल है वो 5 है और 3 का डबल 6 है। यानी कि मैं अगर 2 के बटे में 4 करूं और 2.5 के बटे में
पाँच करूं और तीन के बटे में छः करें तो हमारे पास कट के सब का अनुपात कितना आ जाएगा? बच्चों अगर आप इसी तरह से पार्ट सेकंड देखें तो पार्ट सेकंड में भुजाएं दे रखी हैं, तो भुजाओं का अनुपात देखना है हमें। तो त्रिभुज एबीसी में भुजाएं हैं हमारे पास 2, 3 और 2.5 और पी क्यू आर में है हमारे पास 6, 4 और 5। अब देखो 2 का डबल 4, 2.5 का डबल 5 और 3 का डबल 6, यानी कि अनुपात समान बनेगा, यानी कि 2/4। इसी तरह से 2.5/5 और 3/6, सबका अनुपात कितना आएगा? 1:2, यानी कि 1/2 बनेगा, तो सबका अनुपात 1:2 आएगा, यानी कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो इसका मतलब त्रिभुजें समरूप है, और नियम कौन सा लग गया? SSS, समरूपता नियम। अब यहाँ पे अब आप देखो तो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी किसके समरूप हुई? AB, देखो AB, AB किसके लिए जाएगा? क्यू आर के लिए। तो यहाँ पे पहले क्यू लिखोगे, पी क्यू आर नहीं लिखोगे, पहले यहाँ पे क्यू लिखोगे, तो ये हो गया क्यू आर। तो क्यू आर तो हो ही गया, जो तीसरा पॉइंट है बचा, क्या बचा? पी बचा, तो उसके पीछे हमने पी लिख दिया। तो त्रिभुज एबीसी हमारे पास समरूप हो जाती है त्रिभुज क्यू आर पी के। तो प्यारे बच्चों ये हमारा पार्ट सेकंड हो गया। ठीक इसी तरह से अगर पार्ट थर्ड की बात करें तो यहाँ पे एक त्रिभुज LMP है और एक DEF है। अगर आप इसमें देखें तो 2.7, 3 और 2 है, तो 2 का डबल तो 4 हो गया, 3 का डबल 6 हो गया, लेकिन 2.7 का जो डबल है वो 4 नहीं होता, यानी कि जो अनुपात है वो समान नहीं है, अनुपात हमारे पास समान नहीं है। तो इसका मतलब त्रिभुज ये कैसी हैं? समरूप त्रिभुजें नहीं है, अनुपात समान होना चाहिए। तो देखते ही हम बता सकते हैं कि ये जो त्रिभुजें हैं वो कैसी हैं? समरूप नहीं है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में देखो, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे भुजाएं भी दी हुई हैं और कोण भी दिया हुआ है। अब देखो जो त्रिभुज MNL है उसमें एक भुजा 2.5 है, एक भुजा 5 है और उनके बीच का कोण दे रखा है 70 डिग्री, और यहाँ पे पी क्यू आर में एक भुजा 5 है, एक भुजा 10 है और उनके बीच का कोण है 70 डिग्री। तो बिल्कुल सही बात है, देखो बीच का कोण तो बराबर हो गया 70 डिग्री, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों जगह पे 70 डिग्री है हमारे पास। तो दोनों जगह पे 70 डिग्री है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 70 डिग्री है और यहाँ पे भी 70 डिग्री है। अब देखो 2.5 का डबल 5 हो गया और 5 का डबल 10 हो गया, तो भुजाएँ भी समानुपात में होगी और उनके बीच का कोण भी बराबर हो गया। तो नियम कौन सा लग गया? SAS। तो हाँ SAS नियम के हिसाब से ये त्रिभुजें कैसी हैं? समरूप है। अब आपको ये देखना रह गया कि त्रिभुजें तो समरूप हैं लेकिन कौन सी किस तरह से लिखें। अब जैसे मान लो अगर यहाँ त्रिभुज MN और L लिखा है, तो MN हमें कितना है? 2.5 है, तो 2.5 MN, यहाँ पे हमारे पास 2.5 MN है, और यहाँ से हमें कौन कौन सी लेनी है? एक तो लेनी है PQ और एक है QR, क्योंकि अनुपात इनके बन रहे हैं ना, और बीच में हमारे पास है 70 डिग्री का कोण। तो 70 डिग्री का कोण, अब देखो आपने यहाँ पे MNL लिया है, MNL तो कोण कहाँ पे बन रहा है? M पे, M वर्टेक्स पे कोण बन रहा है, और यहाँ पे कोण कहाँ पे बन रहा है? क्यू पे। तो पहले क्या आएगा? क्यू आएगा, और 2.5 के लिए 5 था, तो 5 के लिए पी क्यू है, तो पी क्यू में क्यू तो पहले लिखना पड़ेगा, पी तो पहले हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो कोण उसके बराबर है, तो क्यू पहले आ गया तो क्यू पी लिखना पड़ेगा, तो ये क्यू पी हो गया, और क्यू पी के साथ हम क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे, तो क्यू पी आर हो जाएगा। तो त्रिभुज MNL समरूप हो जाएगी त्रिभुज क्यू पी आर के। इसी तरह से प्यारे बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। फिफ्थ पार्ट में देखो हमारे पास क्या कन्फ्यूजन अब की बार क्रिएट किया है कि उसने दो भुजाएं तो दे दी हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में दो भुजाएं तो दी हुई हैं, एक तो AB 2.5 और BC 3, लेकिन उनके बीच का कोण नहीं दिया हुआ है, कोण A दिया हुआ है। यहाँ पे दो भुजाएं कौन सी दी हुई हैं? एक तो DF दे रखी 5 और एक EF दे रखी है 6। अब देखो 2.5 से 5 ये तो ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है, और 3 से 6 तो 2.5 से 5 और 3 से 6 अनुपात में तो है,
भुजाएं समानुपात में तो है, लेकिन कौन सी दो भुजाएं हमने ली हैं, हमने कौन सी दो भुजाएं ली हैं, हमने एक तो ली है ए बी और एक ली है बी सी, तो कोण बी बराबर होना चाहिए था किसके, यहाँ पे एक हमने ली है डी एफ और एक ली है ई एफ, तो कोण एफ के। अब आप देखो क्या कोण बी कोण एफ के बराबर है, कोण एफ 80 डिग्री का है लेकिन कोण बी कितने डिग्री का है ये तो हम नहीं कह सकते, तो यहाँ पे ये आपस में बराबर नहीं है। तो जानबूझ के उसने एक को एक कोण को 80 का दे दिया ताकि आपको ऐसा लगे कि दो भुजाएं समानुपात में होगी और एक कोण बराबर हो गया, तो यस हो जाएगा, नहीं क्योंकि उनके बीच का कोण बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये त्रिभुज समरूप नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। ठीक इसी तरह से सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास देखो यहाँ पे दो कोण दे रखे हैं, एक है 70 डिग्री का और एक है हमारे पास 80 डिग्री का, तो 70 और 80 कितने हो गए 150, तो तीसरा कोण हमारे पास कितने डिग्री का बचेगा 30 डिग्री का। यहाँ पे देखो एक कोण 80 डिग्री का एक कोण 30 डिग्री का, तो 80 और 30 110 हो गए, तो जो कोण P बचेगा वो कितने डिग्री का बचेगा 70 डिग्री का बचेगा। अब देखो इसमें पहले वाली त्रिभुज में जो कोण है हमारे 30 डिग्री 70 डिग्री और 80 डिग्री है, दूसरे वाले त्रिभुज में भी कोण हमारे पास कौन से हैं 70 डिग्री 80 डिग्री और 30 डिग्री, तो वही तो है कोण आगे पीछे दो है, कोई फर्क नहीं है, तो यानी कि त्रिभुजें समरूप है क्योंकि तीनों कोण उसके इसके बराबर हैं, या फिर आप इसको दो कोण को दो कोण के बराबर भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपने ये वाली जो इधर वाली जो इस वाले त्रिभुज के यहाँ पे आपने सिर्फ ये वाला कोण निकाल दिया 70-80 के साथ साथ ये 30 डिग्री का कोण आपने ये निकाल दिया कि ये हमारे पास 30 डिग्री का कोण है और इधर आपने कुछ नहीं निकाला। अब आप देखो 80 डिग्री का कोण इसके बराबर हो गया और 30 डिग्री का कोण इसके बराबर हो गया, तो दो कोण बराबर हो गए, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएंगी समरूप हो जाएंगी। और तो यहाँ पे ए नियम भी लग सकता है और ए ए ए नियम भी लग सकता है, उसके लिए इसके तीनों कोण जैसे इसका भी यहाँ पे 70 डिग्री लिख दोगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो दोनों ही नियम यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। तो अब देखो कोण किसके बराबर हुआ, देखो हमारे पास ई और क्यू आपस में बराबर है, एफ और आर आपस में बराबर है, तो डी और पी आपस में बराबर होंगे, तो त्रिभुज हमारे पास डी ई एफ किसके बराबर हो जाएगी पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्या हुआ के सॉरी बराबर नहीं समरूप हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही समरूपता का चला हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास ये त्रिभुजें कैसी होगी समरूप होगी, और नियम कौन सा लग गया ए ए समरूपता कसौटी या फिर ए ए ए समरूपता कसौटी। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच।